Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher Ms. Farheen and I welcome you all to your GK class. माई डियर स्टूडेंट्स एज यू नो दुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर नाइन एंड द नेम ऑफ आर यूनिट इज ट्रैफिक रूल्स टूडे इज़ इट्स फर्स्ट लेक्चर और इसमें हम ट्रैफिक रूल्स के बारे में ही पढ़ेंगे मैं आपको इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुकी हूँ सो लेट्स गेट स्टार्टड सो माई डियर स्टूडेंट्स हम इसको एक एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको इसके जो लेक्चर आगे है उसको समझने में बहुत आसानी होगी सो so, सबसे पहले क्या करना है वन डे बिफ़ोर दिस लेक्चर टीचर ने क्या करना है ये ऑलरेडी लेसन प्लान में तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं लेसन प्लान इसी uh, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वन डे बिफोर टीचर ने बच्चों को होमवर्क देना है कि बच्चे जो हैं टॉय कार्स जो हैं वो लेकर आएंगे और फिर उसके बाद बच्चों ने क्या करना है मैं आपको ये एक्टिविटी पूरी इधर परफॉर्म करके दिखाऊंगी आपने टॉय कार्स लानी हैं और बच्चों ने ट्रक्स लेकर जाने हैं उसके बाद टीचर की टेबल पर चौक से बच्चों ने ट्रैक ड्रॉ करना है बच्चों को ट्रैक ऑलरेडी ड्रॉ करना आता है अगर नहीं आता तो टीचर हेल्प करेंगी और उसके बाद आपने जो मुख्तलिफ आप, आपने एक चार्ट पेपर पे ट्रैफिक लाइट्स बनानी है मैं आपको अभी दिखाती हूँ वो किस तरीके से बनेंगी टीचर बच्चों को ये बनाने में हेल्प करेंगी और उसके बाद बच्चे जो है ट्रैफिक लाइट्स को प्रैक्टिस करेंगे कि अगर आप ट्रैफिक लाइट रेड है तो व्हाट विल हैपन नाव इट इज़ येलो वाट विल हैपन एंड वेन इट बिकम्स ग्रीन वट विल हैपन सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स हैवे अ लुक सो so, मैं इसको एक चार्ट पेपर पे मैंने ड्रॉ किया है ये ट्रैक जो है आप देख सकते हैं ड्रॉ हुआ हुआ है दिस इज द ट्रैफिक सिग्नल रेड येलो एंड ग्रीन सो माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट यू विल सी इज अब क्या है कि गाड़ी यहां से आ रही है बच्चे जो हैं इसको खुद करेंगे तो उनको बहुत एंजॉयमेंट होगी द टीचर विल से इट इज रेड नाउ सो द कार विल स्टॉप नाउ शी विल दे से येलो सो इट विल स्टार्ट बच्चे ऊपर हाथ रखेंगे इट इज ग्रीन सो दे विल स्टार्ट मूविंग इट अगेन सो सब बच्चे इसको बारी बारी प्रैक्टिस करेंगे द कार इट इज रेड सो इट विल स्टॉप इट इज येलो दे विल रेडी इट एंड ग्रीन पे दे कैन गो सो दिस इज हाउ आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं रेड मीन्स स्टॉप येलो मीन्स रेडी एंड ग्रीन मीन्स गो इसी पे हम अब एक पोएम रिसाइड करते हैं सो हेयर इज द पोएम रेड लाइट रेड लाइट वट डू यू से I say stop, stop, stop right away. Yellow light, yellow light, what do you say? I mean wait till the light is green. I mean wait till the light is green. Green light, green light, what do you say? I say go, go right away. सो माई डियर स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपने इस पोएम को टीचर के साथ जो है क्लास में रिसाइट करना है विद द एक्शंस रेड लाइट रेड लाइट वॉट डू यू से दिस इज़ हाउ यू विल रिसाइट द पोएम तो ये यही मतलब है ट्रैफिक लाइट्स के कि इस तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल होती है एक्सीडेंट्स नहीं होते सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड सो इन टू डेज लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई सम ट्रैफिक रूल्स सो आज बच्चे जो हैं कुछ ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनको पहचान पाएंगे सो माई डियर स्टूडेंट्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन इज़ यू ऑफन सी लाइट्स एंड डिफरेंट साइन बोर्ड ऑन रोड वट डू यू नो अबाउट वट दे आर वट दे आर यानी कि बच्चों जो आप लोग अक्सर जो है ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं ना जब मम्मा बाबा के साथ जा रहे होते हैं स्कूल आ रहे होते हैं तो आपको ये लाइट्स नज़र आते हैं इसके अलावा आपको डिफरेंट साइन बोर्ड्स भी नज़र आते हैं इस तरह के स्टॉप यू टर्न जीब्रा क्रॉसिंग इनका क्या मतलब है अगेन हम इस एक्टिविटी को चार्ट पे करेंगे Uh, मैं आपको सारे साइंस जो हैं वो यहाँ लगा के दिखाऊंगी हर साइन का क्या मतलब है वी विल डिस्कस दैट सो आई हैव दिस इज़ द स्टॉप साइन इसका मतलब होता है रुक जाना दिस मीन्स यू टर्न दिस मीन्स जीब्रा क्रॉसिंग वॉट इज ज़ीब्रा क्रॉसिंग आई विल टेल यू दिस मीन्स स्कूल अहेड यानी कि आगे स्कूल है आप देख सकते हैं मदर बच्चे के साथ जा रही हैं दिस मीन्स नो हॉर्न ये अक्सर हॉस्पिटल्स के बाहर लगा हुआ होता है एंड दिस मीन्स फसन यूर सीट पर बेल्ट यानी कि अपनी गाड़ी में अगर आप बैठे हैं तो सीट बेल्ट पहन ले सो माई डियर स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ तमाम साइंस जो है वो मौजूद है इसके अलावा मेरे पास कुछ छोटे से टॉय भी हैं जिनको मैं जीब्रा क्रॉसिंग पे रखूंगी सो माई डियर स्टूडेंट्स लेट्स क्विकली एडजस्ट दीज साइंस ऑन द ओके सो दिस इज द ट्रैफिक लाइट जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं ठीक है दिस इज द जीब्रा क्रॉसिंग सो ज़ीब्रा क्रॉसिंग मीन्स कि हमेशा जब भी आपको रोड क्रॉस करनी है तो आप जीब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करेंगे सो so, मैं यहाँ ज़ीब्रा क्रॉसिंग का साइन भी लगा दूंगी सो दिस साइन रिप्रजेंट ज़ीब्रा क्रॉसिंग तो हम इसको ज़ीब्रा क्रॉसिंग के पास लगा देते हैं यूजली ये साइन बोर्ड जो है ये आपको स्कूल्स के पास जो है वो नज़र आता है ठीक है आप इस तरीके से छोटे छोटे साइंस टीचर्स खुद भी बना सकते हैं ये बहुत आसान है बनाने ये मैंने खुद बनाया है सारे टूथ पिक पर मैंने इनको माउंट किया हुआ है उसके बाद नो हॉर्न सो हेयर इज़ द हॉस्पिटल सो इट रिप्रजेंट्स नो हॉर्न यानी कि आपने यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना क्योंकि यहाँ पेशेंट्स होते हैं इसके बाद स्टॉप का साइन जो होता है स्टॉप साइन इज इज़ ऑलमोस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्कूल जो कि आपको बताता है कि देर इज़ स्कूल अहेड स्टॉप स्कूल अहेड so this is the sign of school ahead I will adjust it later okay so this sign represents school ahead to isko hum school ke aage rakhenge theek hai इस तरीके से and this means U turn यानी कि यहाँ से गाड़ी जो है वो turn कर सकती है U turn and this sign represents फासन योर सीट बेल्ट यानी कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें यह आपको रोड्स पे अक्सर जो है वो नज़र आता है इसके अलावा आपको और भी साइंस नज़र आते हैं दीज आर सम ऑफ द साइंस दैट आई हैव शोड यू हेयर जो कि आपको अक्सर ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं उनका इनसे आप ध्यान कर सकते हैं सो आई विल एडजस्ट दिस साइन और फिर में हम एक दफ़ा दोबारा यहाँ गाड़ियाँ चलाएँगे ताकि आपको थोड़ा सा इनसे ध्यान में रहिए

ये गाड़ी जो है यहां से यू टर्न ले सकती है एंड दिस इज हाउ इट विल वर्क एंड दे विल गो टू द स्कूल विद द हेल्प ऑफ जीब्रा क्रॉसिंग ठीक है एंड दिस इज देयर स्कूल तो यहाँ पे स्टॉप स्कूल इज स्कूल स्कूल योर सीट बेल्ट एंड नो हॉर्न स्टॉप यू टर्न दीज ऑल आर यू ऑब्जर्व ऑन द रोड्स Okay, my dear students, now I request you all to please open page number 66 in your GK1 books. I hope everybody has opened the page. So, now let's start the reading. Traffic rules. Traffic rules are for our safety. We can stay safe if we follow these rules. Yani ke jitne bhi ye tra traffic ke ये हमारी हिफाजत के लिए बनाए होते हैं और अगर हम इनकी इनको फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं बल्कि हम दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं अंडरस्टैंड ट्रैफिक सिग्नल्स रेड सिग्नल मीन्स टू स्टॉप द व्हीकल आप बाइक पे जा रहे हैं गाड़ी पे जा रहे हैं ट्रक में जा रहे हैं जब भी रेड सिग्नल है राइट रेड हुई हुई है इसका मतलब है आपने गाड़ी को रोक देना है येलो सिग्नल मीन्स टू स्लो डाउन द वहीकल और टू बी रेडी टू गो सो येलो का मतलब है रेडी टू गो या आपने अपने वहीकल को स्लो डाउन कर लेना है ग्रीन सिग्नल मीन्स टू रन द वहीकल ग्रीन का मतलब होता है टू गो नाउ यू कैन गो सो माई डियर स्टूडेंट्स दीज आर द मीनिंग्स ऑफ डिफरेंट ट्रैफिक सिग्नल्स ट्रैफिक लाइट जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया माई डियर स्टूडेंट्स सो अरेज एन एक्टिविटी इन द क्लास आज दूडेंट्स टू ड्रॉ डिफरेंट साइन बोर्डली सी ऑन द रोड एक्सप्लेन दम टू द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस माई डियर स्टूडेंट्स अभी प्रीवियसली मैंने आपको प्री रीडिंग क्वेश्चन में कुछ साइन बोर्ड दिखाए थे आपको अब ये याद होने चाहिए दिस इज नो हॉर्न आपको हॉर्न का साइन बना के उस पर क्रॉस लगाएंगे तो मीन्स नो साइन वेरी इजी साइन स्टॉप यू टर्न ठीक है एक एरो इस तरीके से आपको टेढ़ा सा बनाना है जिसका मतलब है कि आप यहां से यू टर्न जो है वो ले सकते हैं गाड़ी को यहां से मोड़ सकते हैं इसके अलावा जीब्रा क्रॉसिंग का साइन मैंने आपको दिखाया था ठीक है तो इस तरीके के साइन बोर्ड्स जो साइंस जो है वो बच्चों ने खुद ड्रॉ करने हैं जिनसे बच्चों को जो है वो साइंस जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी ओके माय डियर स्टूडेंट्स सो दीज आर द साइंस यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ड्रॉ देम फ्रॉम हेयर I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the evaluation. So quickly answer the following questions. How can we avoid accidents on road by following the traffic rules? So what should we? Or why should we obey traffic rules to keep ourselves safe? What does red traffic signal means? It means to stop. And what does red, red uh, yellow traffic signal means? It means to be ready. and what does green traffic signal means it means to go okay my dear students for practice you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher write down your name and your class and then start working so my dear students here is the boy इसको नहीं पता कि इन ट्रैफिक सिग्नल्स का क्या मतलब है आपने यहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स को कलर करना है इस तरीके से आपने कलर करना है इनको ये देखें ठीक है एंड देन यू ऑल्सो हैव टू राइट द देयर मीनिंग सो दिस मीन्स स्टॉप दिस मीन्स रेडी एंड दिस मीन्स गो सो दिस इज हाउ यू विल डू इट ओके नाउ आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द ट्रैफिक साइंस इन राइट देर मीनिंग हेल्प फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक सो यहां पर आपको ट्रैफिक सिग्नल के नेम्स जो है वो दिए गए हैं आपको इनको आइडेंटिफाई करना है वर्ल्ड बैंक से हेल्प लेनी है और कंप्लीट करना है मैं आपको एक करके दिखाती हूँ द फर्स्ट साइंस इज यू टर्न सो यू टर्न इज रिटन हेयर दिस इज नो हॉर्न स्कूल अ हेड स्टॉप जीब्रा क्रॉसिंग एंड फासन यूर सीट बेल्ट दिस इज नॉट फास्ट इन योर सीट बेल्ट इट इज फासन यूर सीट बेल्ट ओके सो पॉजो बिड यू इन क्विकली फिनिश इट i hope everybody has done it now let's quickly move forward towards the homework for homework what you will do is you will answer the question number one and two from exercise d why should we follow traffic rules what is the meaning of green traffic signals so here is the help we should follow traffic rules to ensure everyone's safety take a or ki traffic rules follow and green light means to go so, you will do these question answers in your homework. And, my dear students, the wrap up of the lesson today we have learnt about different traffic signs and signals. So, the meaning of red, yellow, and green color of the light signal means stop, wait, and go, respectively. And identify different tra traffic signs. These are the traffic signs that we have identified. So, my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Perform all the activities to understand different traffic rules. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much. Anula.